एग्ज़िबिशन है तारिक साहब के बड़े इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की, और ये कश्मीर आर्ट एम्पोरियम में हमारी कोशिश रहती है कि हर एक हफ्ते कोई नया आर्टिस्ट होए, कोई नया एंटरप्रेन्योर होए जो बड़े नोटेबल इनोवेटिव और आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बना रहा है, उसको यहाँ पेश करें ताकि लोगों को पता चले, लोग उनके प्रोडक्ट्स देख पाएँ, उनको भी प्रोत्साहन मिले और लोगों को भी पता चले कि अलग अलग तरह के कैसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, कैसे आर्ट को रीपर्पस करा जा सकता है, कैसे डिज़ाइन इनोवेशन से नए नए प्रोडक्ट्स बनाए सकते हैं। और मेरे राय में ये जो आज का एग्जीबिशन है तारिक साहब का, ये सब रिफ्लेक्ट करता है द बेस्ट ऑफ व्हाट यू कैन डू इन डिज़ाइन इनोवेशन, बेस्ट ऑफ व्हाट यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ यूजिंग लोकल मटेरियल फॉर न्यू नीड्स एंड यूजिंग डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स एंड डिफरेंट मटीरियल्स। सो ये बड़ा अच्छा इन्होंने सिंथेसिस करा है, और माय कॉम्प्लीमेंट्स टू तारिक साहब, एंड आई होप दिस विल इंस्पायर मोर पीपल फ्रॉम JNK टू सॉर्ट ऑफ लुक एट आर्ट इन दिस डिफरेंट लाइट। सर देखिए, ये अब यहाँ पे हम कंसिस्टेंटली नए जो हमारे आर्टिसंस हैं, फिर हमारे आर्टिस्ट हैं, उनको कंसिस्टेंटली प्लेटफॉर्म देते हैं। और अभी हाल ही दिनों में जब श्रीनगर को एक वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया, तो उस हवाले से भी एक अहम इवेंट है। तो यहाँ जो ट्रेडिशनली चीज़ें बनती थी, ये कुछ हटके है, तो काफ़ी इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल है, फिर डिफरेंट डिज़ाइंस कॉन्सेप्ट्स को जो है इन्वॉल्व किया गया है, और सारा जो है ऑलमोस्ट इको फ्रेंडली है। तो एक जो है डिफरेंट डायरेक्शन में क्राफ्ट को लेने की कोशिश तारिक साहब और उसकी टीम ने की है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, शायद पहली बार लोग ये देख रहे हैं, तो मेरी इस्तेदा लोगों से यही होगी कि यहाँ आए और ये देखें कि यहाँ पे लोगों में कितनी क्रिएटिविटी है। सर, क्या आप समझते हैं कि ये पहल हमारे उन आर्टिजन्स को जदीदियत या उसमें इनोवेशन लाने की ज़्यादा माइंड करेगी? एब्सोल्युटली, ये तो इनोवेशंस तो हर चीज़ में आप देख रहे हैं, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन है, कैसे इनोवेशंस, कैसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट हम कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स में। सर, अगर आप देखें वेरी प्रोडक्ट्स, कुछ में टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, कुछ में आपने बहुत से कलर्स भी हम इसी डिज़ाइंस एंड कलर्स ये हमने पिंटरेस्ट पे देखे हैं और इंटरनेट पे देखे हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट्स नहीं देखे हैं। तो सीइंग इज बिलीविंग, तो हमारा पर्पस ये, अगर हम जबानी ये बोलते, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते किसी को, तो मतलब ये तो सब बनाते हैं यार, ये आज तो AI बना देगा। बट व्हेन यू एक्चुअली प्रोड्यूस देम एंड प्रोड्यूस देम हियर इन कश्मीर एंड यू से इट इज पॉसिबल एंड That's what it is. So, आज का ये था कि वे हमारा जो फर्स्ट स्टेज था टू डेवलप दिस डिज़ाइन डेवलपमेंट रिसर्च वगैरह, उसमें टुडे वॉज ओके दिस इज सो फॉरवर्ड वी हैव डन, एंड हमने अपनी तरह से जो भी स्टडीज वगैरह की है, बट फाइनली यू आर द वन, द पीपल हु लुक एट दोस प्रोडक्ट्स डिसाइड इट्स फ्यूचर। इन प्रिंसिपल ये बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर ये इंडस्ट्री को बढ़ना है, we need those guys, if they are not happy how are we going to survive? So isliye ye bahut hi acha initiative, appreciate that really. This is a one of the finest exhibitions of arts and craft that's jo maine Kashmir mein dekhi hai, jisme bahut hi innovative product hai, and he has also included technology with every one of the best parts about it, everything is sustainable. कोई चीज़ प्लास्टिक से नहीं बनी है, कोई चीज़ में ऐसी कोई चीज़ किसी चीज़ उसमें इको फ्रेंडली है, और प्लस कार्बन इम्प्रिंट जितना भी है ज़ीरो है ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों में। सर, यू थिंक इस तरह के एग्जीबिशंस से नौजवान नस्ल में इस काम के बारे में अभी ही आएगी और मजीद फैले पड़ेगा ये काम? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज जब आप किसी चीज़ में इनोवेशन देखते हैं, नए लोग आते हैं, उन वो भी उनको मुतासर होते हैं इन चीज़ों से। तो जब कोई मुतासर होता है तो आपको डेफिनेटली इसमें नए लोग आएंगे। ज़ाती तौर पर आपको कैसा लगा? मैं आई एम एक्चुअली लॉस्ट फॉर वर्ड्स कि इतना अच्छा क्रिएटिव माइंड तारिक साहब, तारिक जरगर हैज़, एंड बट ही हैज़ नॉट बीन एक्सपोज टू द रियल मार्केट, सो ही नीड्स टू बी एक्सपोज। आई रियली अपील टू पीपल ऑफ श्रीनगर टू कम एंड विजिट दिस एग्जीबिशन एट गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू विल कम, हूएवर इज सीइंग दिस विल कम एंड सी दिस एग्जीबिशन व्हिच इज़ ऑन फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। मेरा नाम अरूज है और मैं नूरबाग श्रीनगर से हूँ, और यहाँ पे हमारे लैम्प शेड्स हैं, इनके साथ हमें लगभग 6-7 महीने हो गए हम इन पे काम कर रहे हैं। तो इन पे हमने खाली जो
कश्मीरी का मतलब टच है ना वो रखा है इस पर, जैसे कि हैंड वर्क, ये आरी वर्क है, सोजनी का काम है और हैंड एम्ब्रॉयडरी जो है वो इसके साथ रखा है, क्योंकि ये मतलब अलग कुछ यूनिक होने चाहिए, क्योंकि कश्मीर में जो बहुत टैलेंट है लेकिन लोग दिखाते नहीं हैं, और ख़ास करके खवातीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन वो निखर के आना चाहिए बाहर, और इसके लिए प्लेटफॉर्म्स की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा।